सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मानो या ना मानो को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने शोले फिल्म जरूर देखी होगी और इसे बार बार देखना भी चाहते होंगे, इसीलिए आज हम आपको शोले फिल्म से जुड़ी कुछ मजेदार बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। मानो या ना मानो, भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक फिल्मों की श्रेणी में स्थान बना चुकी शोले को एक समय कम दर्शक संख्या के कारण सिनेमा हॉल से निकालने की नौबत आ गई थी। लेकिन जब लोग सिनेमा हॉल से इस फिल्म को देखने के बाद बाहर निकले और उनसे लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चला, तो देखते ही देखते यह भारतीय सिनेमा की सबसे हिट फिल्मों में शुमार हो गई। शोले में जय की भूमिका के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया था, फिर अमिताभ बच्चन ने फिल्म के प्रोड्यूसर को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि वह इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त है। शोले में गब्बर सिंह का रोल पहले डैनी को ऑफर हुआ था, लेकिन डैनी धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अफगानिस्तान में थे, इसीलिए उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया। फिल्म में वीरू का किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र पहले ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाना चाहते थे, पर फिल्म के निर्देशक ने उन्हें जब बताया कि हेमा मालिनी उनकी हीरोइन होंगी, तो वो तुरंत ही इस रोल के लिए राजी हो गए, क्योंकि उन दिनों हेमा मालिनी के साथ प्यार में थे। अमजद खान को इस फिल्म से एक समय बाहर करने का फैसला कर लिया गया था, क्योंकि फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर को उनकी आवाज गब्बर सिंह के रोल के लिए काफी कमजोर लग रही थी। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में अमिताभ बच्चन गोली लगने से बाल बाल बचे थे। धर्मेंद्र से गलती से चली गोली अमिताभ बच्चन के मात्र इंच भर की दूरी से निकल गई। शोले भारतीय इतिहास की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाया। यह फिल्म पूरे भारत के कई सिनेमा घरों में लगातार 25 हफ्तों तक चली थी। बीबीसी ने 1999 में इस फिल्म को फिल्म ऑफ मिलेनियम का खिताब दिया था। शोले का अधिकतर हिस्सा बेंगलुरु के पास स्थित रामनगर कस्बे में शूट किया गया था। फिल्म की सफलता के बाद वहां रहने वाले लोगों ने रमेश सिप्पी के नाम पर इस जगह का नाम सिप्पी नगर रख दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट हमें जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मान्यताओं और घटनाओं के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो। दोस्तों, अब आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और भी जल्दी हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर जाके बस मानो या ना मानो हिंदी स्टोरी सर्च करें, जो है बिल्कुल फ्री, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।